वैज्ञानिकों का मानना है हम आने वाले समय में ऐसे वाहन बना लेंगे जिससे आने वाले समय में इंसान हवा में उड़ सकेगा, पर इन भोजपुरी वालों को सबर कहां है? साले 2 करोड़ का व्यापक यूज करके अपने वर्तमान को अपने सपने में पूरा करना चाहते हैं। बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत तेज हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ इन भोजपुरी वालों ने ना न्यूटन के नियमों की ऐसी की तैसी कर रखी हो, तो मैंने सोचा क्यों ना भोजपुरी वालों की ऐसी तैसी हम कर दें, मतलब छोटा सा रोस्ट कर दें, क्योंकि यार इन लोगों ने ना अपनी फिल्मों में ऐसे ऐसे कारनामे कर रखे हैं जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। कि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार और धमाकेदार होने वाली है, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भैया, भोजपुरी एक्शन जिसके सामने ग्रेविटी फिजिक्स लॉजिक अपना पिछवाड़ा छुपा के चलती हैं, कहीं कोई भोजपुरिया नहीं मिल जाए उसकी मार ना ले। तो चलिए जल्दी से अब लॉजिक पर आते हैं। इंसान के 2 हाथ होते हैं, अब ये इंसान ही है तो, और ये 4 लोग हैं, इंसान के 2 हाथ होते हैं, इस भोजपुरिया मर्द ने 4 लोगों को कैसे उठा रखा है भाई? एक मिनट, इसको तो इसने पकड़ भी नहीं रखा भाई, क्या चल रहा है ये? और भाई कुछ भी कहो, भोजपुरी फिल्मों के गाने 1 नंबर होते हैं। क्यों पसंद आया ना? मैं गाने की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे भैया, हमारी को कुछ मत बोलिए, घटिया हो सकता है मगर नहीं। और भोजपुरी फिल्मों के डायलॉग तो देखो, ओ हो, बिल्कुल छपरी डायलॉग, क्या हीरो बनेगा रे तू। दूध बना है खून मेरा, खून आग बन जाएगा, जो हमसे टकराएगा जलकर खाक हो जाएगा। है समंदर सीने में, तूफान लिए हम जीते हैं, आग ही हम खाते हैं और आग ही हम पीते हैं। ये सारा डायलॉग है छी, अगर इस घटिया डायलॉग को रैप में चेंज करके सुने तो कैसा लगेगा, एक बार चेंज करके देखते हैं। दूध बना है खून मेरा, खून आग बन जाएगा, जो हमसे टकराएगा जलकर खाक हो जाएगा। है समंदर सीने में, तूफान लिए हम जीते हैं, आग ही हम खाते हैं और आग ही हम पीते हैं। और दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि अभी ये बोलेगा कि आग ही हम खाते हैं और आग ही हम हकते हैं, साले गांड फट जाएगी, धुआं पता नहीं कहां से निकलेगा। भाई ये भोजपुरी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और भैया, भोजपुरी फिल्मों के विलन, साले विलन कम साउथ फिल्मों के कॉमेडियन ज्यादा लगते हैं। चाल तो देखो, इसे कहते हैं काले काले मुखड़े पे काला काला चश्मा। लेकिन भोजपुरी वाले हीरो और विलन में भेदभाव बिल्कुल नहीं करते ना, नक्को। अगर हीरो बकचोदी करता है तो विलन भी बकचोदी करेगा ही करेगा। अब ये क्या बकचोदी है पे एंचो, भोजपुरी फिल्म में विलन भी हीरोइन के साथ गाना गा रहा है। अगर ऐसी शक्ल मेरी होती ना तो मैं अपने माँ बाप पे केस कर चुका होता। साले की हिम्मत तो देखो, पहले की फिल्मों में आपने जैकी दादा को दीवारों पर भागता हुआ देखा होगा। लेकिन भोजपुरी फिल्मों वाले नकल करने में कभी पीछे नहीं हटते, न्यूटन की बेइज्जती दिल से नहीं दिलो जान से की जाती है भोजपुरी फिल्मों में। स्पाइडरमैन को भी एक मकड़ी के साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ा था, तब जाके वो दीवारों पर चल पाता था, पर ये साला तो दीवारों पर ऐसा भाग रहा है जैसे कि खुद ही मकड़ी हो। ये सीन देखकर मुझे याद आया कि ये तो अपने निरहुआ भैया हैं, कभी साइकिल पर स्टंट दिखाकर पैसा कमाया करते थे। फिर इनका धंधा चलने के बाद इन्होंने एक रिक्शा खरीद लिया और आजकल ये स्टंट दिखाकर पैसा कमाते हैं। एक बेर हमार हाथ खोल के देख तो के अपन धूल जटा जटा के ना मरनी, ताम हूँ अपने बाप के औलाद। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें क्या सेंस की बात हुई भाई, अगर उन लोगों को तेरे हाथ खोलने ही होते तो गधे तेरे हाथ बांधती क्यों वो? रुको जरा, सबर करो।
जब तू खुद ही आजाद हो सकता था तो इतना बोल बच्चन करने की क्या जरूरत थी। साले मजाक बना के रखते हो। इस साले के पिछवाड़े पे पंखा लगा है क्या? साला उड़ता ही जा रहा है, उड़ता ही जा रहा है। देता है भोजपुरी फिल्में देखकर ना मेरा रियल जिंदगी से विश्वास बिल्कुल उड़ जाता है। और आपको भोजपुरी एक्टर में से कौन सा एक्टर आपको पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी धमाके के साथ।